लड़की इसी मंदिर में रहती है और 8 महीने से ये यहाँ पे रह रही है। एक लड़के से शादी की, शादी के बाद लड़का कहाँ चला गया, फरार हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। इनका ससुराल सामने है, मतलब लड़के का घर सामने है, और लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इसीलिए ये लड़की इस मंदिर में रहने पर मजबूर है। फूल कुमारी नाम है, सफाई करती है, इधर ही खाना बनाती है, थोड़ा खाना खाती है और उधर सोती है। सोचिए 8 महीने से, और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। शादी करके ये लड़की आई है और आखिर ये मंदिर में क्यों रह रही है, क्यों नहीं ससुराल में भेजा जा रहा है। दोस्तों, अभी दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में है, हमें सूचना मिली कि इस मंदिर में एक लड़की 8 महीने से रह रही है। पहले ये मंदिर को देखिए आप, माता पिता गरीब हैं, इसीलिए लड़की माता पिता के पास भी नहीं जा पा रही है। अभी हम आए ना तो देखे कि ये फूल उल पूरा धो रही है, ये सफाई कर रही है। ये क्या है, मतलब क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। फूल कुमारी, तो ये मंदिर में आप क्यों रह रही हैं, ये बताइए। वो लड़का नहीं रखता इसीलिए। कौन लड़का? जिससे मेरी शादी हुआ। कब शादी की थी उससे? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2023 को आप लड़के के साथ भाग गई। हाँ। आप उससे प्यार करती थी। हाँ। ठीक है। और फिर 2 जनवरी के हम घर पे आए तो मेरे समाज लोग, मतलब सबको पता था, मतलब लड़का पहले मम्मी पापा पहले लड़का हमको से मतलब बात करता था, तो हम मतलब यहाँ कुछ हमें पता चला कि लड़का गलत है, तो हम फिर लड़का से दूर जाने के लिए बहुत कोशिश किए, बल्कि लड़का जबरदस्ती घर पे चला जाता था। और हम गरीब थे तो ये सोचे थे किसी को बोलेंगे तो मम्मी को भी मारेगा, और लड़का मुसलमान गो है, मार उठ देगा तो फिर फंस जाएंगे। लड़का बल्कि मेरे गो मुसलमान गो हैं, तो हमें ये पता लगा कि मतलब मार हिंदू हैं हम, यादव हैं आप, यादव हैं, ठीक है। तो हम किसी को नहीं बताते थे, आता था मारता पीटता था और बोला अगर मेरे साथ नहीं जाओगे तो तुम्हारा भाई को भी मार देंगे और हम भी मर जाएंगे, तुम्हें फंसा देंगे। तो वो जो जो बोलता था हम वो करते थे डर से। फिर बोला भागने के लिए 1 जनवरी को, तो हम गए 7 बजे शाम में, तो बोला हम बाहर लेकर जाएंगे तुम्हें, तो हम मान गए। उसके बाद हम भी उससे प्यार करते थे, वो भी करता था। और फिर मझौड़ा होटल में हमें रखा। अच्छा, कहाँ पे? सुधा मझोड़ा में जो होटल है वहाँ पे, हमें नहीं उतना जानकारी है, भारत मुझे वहीं पे रखा। और सुबह हम फिर बोले बाहर चलना है ना, बोला नहीं आप तुम्हारे हम तुम्हें घर पे पहुँचा देते हैं, और मेरे साथ सब कुछ कर लिया उसका बाद। तो फिर हम बोले हम घर पे नहीं जाएंगे, हम यहीं मर उड़ जाएंगे। तो फिर ये बोला नहीं हम दे आते हैं घर पे, तो हम ठीक है मान लिए बात। तो फिर गया तो वहाँ पर कुछ आदमी था मेरे गाँव के वहाँ पर जमा, तो इसको बोला अंगना चलने के लिए, तो अंगना गया। फिर बैठने के लिए बोला बैठा, तो कुछ लोग पूछा वहाँ पर शादी करना है, तो बोला मेरा बहन कुमार है अभी शादी नहीं करेंगे। अच्छा, बोला लड़का कि मेरी बहन कुमारी है अभी शादी नहीं करेंगे। तो बोला इस लड़की के लिए क्यों गया, तो घूमने के लिए। तो फिर मुखिया मेरे गांव के महमूद आलम, तो वो बोला 2-4 बार, तो बोला हम ठीक है करेंगे। तो समाज लोग मतलब शादी करवा दिया, मतलब आपके समाज वाले आपकी और लड़के की शादी करवा दी। हाँ। लड़का कौन जाति से आता? वो भी यादव है। आप लोग यादव हैं? ठीक है। तो फिर मेरे मम्मी बोला हम इसको अब नहीं रखेंगे, तो इसका पापा मेरे गांव का इसको आदमी है मेरे गांव में, उसको सिखा दिया था ये कि उस लड़की को लड़का को यहाँ पे नहीं लेकर आने के लिए, वहीं पे बोला रखना। आपके गांव के लोग सिखा दिए? हाँ। तो मेरा मम्मी बोला हम नहीं रखेंगे आप, तो बोला नहीं रखना पड़ेगा। मेरे मम्मी को मारने के लिए सब उठा, तो डर से मेरा पापा भी गाँव में नहीं था और गरीब हैं बहुत। तो मेरा मम्मी 11 दिन लड़का को रखा, 11 दिन के बाद बोला हम पढ़ने के लिए जाते हैं मथुर चौक पे। लड़का बोला? हाँ। अच्छा। एक अजय यादव है वही इसको मदद किया भगाने। अच्छा, में अच्छा। भैयारी लगेगा हमें। तो फिर बोला हम जाएंगे, तो हम बोले नहीं जाने के लिए, हमें उस दिन भी रात में मारा था। तो फिर गया ये 9 बजे, तो बोला हम 11 बजे घर पे आ जाएंगे। मेरा भाई के छोटा 6-7 साल का था, उसको भी संग करके गया, और तुम बोलो उसको भी बहुत मार मारा, छोड़ दिया तुम बोलो, वो भाग गया। फिर मेरा भाई उनसे पूछे तो बोला जीजा भाग गया। तभी मतलब शादी करके उसी समय 11 दिन रहा आपके साथ आपके घर, माँ बन गए थे, आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हाँ। और फिर उसके बाद वो भाग गया 11 दिन के बाद। हाँ। 11 दिन के बाद, तो 11 दिन में आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, मतलब हमें नहीं पता था, मतलब बाद में पता चला हमें। तो अभी आप प्रेग्नेंट हैं? नहीं, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया बच्चे का। तो आप इस मंदिर में कितने दिन से रह रही हैं? 7 महीना, 8वां महीना चलने वाला। तो 8 महीने से आप इस मंदिर में रह रही हैं, क्यों रह रही हैं मंदिर में? कहाँ जाएंगे, वो तो शादी कर लिया, मम्मी पापा गरीब है, मतलब 5 भाई भी ना, 3 बहन 2। कौन शादी कर लिया? मतलब वो तो शादी हमसे किया है ना। किया, ठीक। हाँ? है।
तो मम्मी पापा की ये कहना था कि जो शादी किया उनके साथ रहने के लिए कितना दिनों हमको रखता हूँ वहाँ पर, फिर और छोटा छोटा मेरा भाई बहन भी वहाँ। तो आपके मम्मी पापा इस स्थिति में आपको छोड़ दिए मंदिर में रखने के लिए? तो क्या करता, हम नहीं गए, मेरे मतलब ये सब मेरे मम्मी सबको भी धमकी दी अपना बेटी के यहाँ से ले जाने के लिए, नहीं तो मतलब पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। वो बोलता है सर? हाँ। आपके ससुराल वाले क्या बोलते, लड़की लड़के के फैमिली वाले क्या बोलते, नहीं रखेंगे आप? नहीं, वो बोलता है जब लड़का अगर तब रखेंगे, नहीं तो हमारे चूल्ही और बिक जाएगा तब भी नहीं रखेंगे कुछ। कहाँ है लड़का का फैमिली वाला? वो अपने घर पे सामने है। हाँ, फिर आप ऐसे मतलब मंदिर में रह रही हैं कि एक लड़की हो करके मतलब शादी की, प्रेम विवाह की, उसके बाद आज मंदिर पर रहने पर मजबूर हैं, कोई लोग आपका सपोर्ट करने, सहयोग करने नहीं आ रहे हैं? कोई नहीं करता, बस कि करता तो है, सामने कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है, अकेले इस मंदिर में रहती हैं? हम सबको सामना अकेले समाज को करना पड़ता, हम अकेले समाज से भी लड़ते हैं और लड़का को घर वाले से भी लड़ते हैं, अकेला कोई सपोर्ट नहीं, बल्कि देखभाल सब। भगाने भी आते हैं क्या कि यहाँ से भागो? हाँ, दो आदमी आता है, वो हमें बहुत टॉर्चर यहाँ पर करता है आके, उसका आदमी है, दो आदमी। तो ये साड़ी वाड़ी कौन दिया आपको? यही सब मांग लेते हैं जिसे मन होता है उनसे, मांग करके पहनती है। और खाना कैसे खाती है मंदिर में? खाना भी मांग चंग के खा लेते हैं, मांग के खाना भी खाती है। बोलते हैं जिसको जो चीज़ देने के लिए, चाहे चावल तो कोई 5 किलो चावल ही देता है, कोटा देता है डीलर यहाँ का है वो, और कुछ दुकान वाला है वो सामान सब जो राशन को था वो दे देता है। मतलब मांग के आप मंदिर में खाना खाती है? हाँ। और कहीं जाती है कि नहीं? यहाँ कहीं नहीं जाते, डर नहीं लगता यहाँ पे रहती है अकेले तो? जिसको साथ भगवान है उसको डर क्या चीज़ का है, कि हम मंदिर पे से एक बार उसका घर पे भी जाकर देखें। हाँ। बल्कि वो रखता है कि हम एक बार नहीं चार बार गए, एक बार गए तो हम पूरे हिम्मत के साथ गए, मेरा मम्मी मेरा ससुराल में सास मेरे वहाँ पे पढ़ाने के लिए आता आंगनबाड़ी केंद्र, तो हम 3 बजे हम बोले मम्मी हम भी जाएंगे, तो बोला नहीं जाने के लिए, बल्कि मारने के लिए यहाँ भी उठा, तभी हम गए हिम्मत बांध को, तब भी फिर 11 बजे में एक यहाँ का आदमी कुछ उसको दिया आदमी, वो 112 पे फ़ोन किया और वो हमें उठा के यहाँ से 11 बजे रात में लेके चला गया, बोला पागल है लड़के, पागल है, थाने में लेके चला। हाँ, गया। कितने दिन थाने में रही? पूरी रात थाने में रही। हाँ। फिर कौन छोड़ाया आपको? हमारे मम्मी सब आया था, कुछ और आदमी बगल सहयोग किया था। देखिए जो भी हो मैटर जो भी हो, लेकिन ये लड़की लव मैरिज शादी करके यहाँ पे मंदिर में रहने पर मजबूर है, और इनके माता पिता भी देखने नहीं आ रहे, ससुराल वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, और ये लड़की मतलब अभी कितनी अनसेफ है, मंदिर में बोल रही है कि भगवान जिसके साथ में है उसे डर किस बात का, लेकिन फिर भी लड़की है अकेले। क्या उम्र है आपका? 18 साल की है। अरे आप, लेकिन जो भी है आपको अपने कहीं ना कहीं मम्मी के पास चले जाना चाहिए फिलहाल। नहीं ना, मेरा घर भी यहीं है और समाज ही मेरा सब कुछ है। ये आपका गांव कौन सा है आपका? अपना मायके। हाँ, मायके इजराटा। कितना दूर है यहाँ से? बस थोड़ा ही दूर, आधा घंटा भी नहीं लगता है, कम ही। अच्छा, अभी क्या खाई है, अभी कुछ खाई है कि नहीं खाई है? नहीं खाई है। थोड़ा इधर आइए, देखिए ये लड़की जो साड़ी पहनी है इसको गांव वाले कोई दे दिए हैं, मांग के खाती है, मांग के पहनती है, और ये बर्तन वर्तन किसका है? हाँ, जब आए ये सब तो यहीं पर था, भगवान के मुँह से भोग लगता है, और जब आए तो एक यहाँ इतना मतलब पतेली। हाँ। और मतलब प्लेट ये करछुल अरछुल छिपा बर्तन मतलब यहाँ के आदमी आन के दिया हमें, और भगवान के भोग लगता है उस गैस पर भी, तो हम भी बना के खाते हैं, खाना इसमें बना के खा लेते। तो कुछ आदमी ऐसा है सो बोलता है नहीं बनाने के लिए, तभी हम बनाते हैं, मतलब लड़ लड़ के करती हैं, बनाती हैं, बनाते हैं। और ये अपना सामान उमान रखती है? इसमें मेरा सामान सब है, मेरा ये कपड़ा है और ये राशन उसन जो भी कुछ है। ये आपका राशन है, ये आपका कपड़ा है। इसमें माँ संतोषी का फोटो है, व्रत करते हैं इसमें ये है। अच्छा, पूजा पाठ भी यहाँ पे करती हैं, सफाई सब आप ही करती हैं? और ये सब अपना श्रृंगार का सामान है, वहाँ पे हम सोते हैं। यहाँ आप सोती हैं? बताइए, इस तरीके से ये लड़की फूल कुमारी नाम है, और देखिए इस तरीके से सोने पर मजबूर है। अच्छा, ये लव मैरिज करना, प्रेम विवाह करना, लड़के पे भरोसा कैसे हो जाता है ऐसे लड़के पे कि शादी करके 11 दिन रखा और भाग गया? नहीं, जब पता था उतना हमसे हम सबको ना ये बात।
कहाँ गया है लड़का, कुछ जानकारी नहीं है? जानकारी वो अपने मम्मी पापा से तो बात करता है, इतना हमें भरोसा है, और भगवान भी इतना किन दिला दे कि वो बात करता है, बल्कि उसका मम्मी पापा बोलता है नहीं बात करता, बल्कि हमें विश्वास है बात वो करता है। नहीं तो एक बात बताइए, जो लड़का जो माँ अपने बेटा को 9 महीना कोख में रखता है उसको